बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 38 देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैक्लॉरिन सीरीज, यानी हम सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया हो उस पर कुछ कंडीशंस भी हैं तो हम उसको कैसे सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं इन पावर्स ऑफ एक्स। ये एक्चुअली एक पावर सीरीज है। तो लेट एफ पढ़ते हैं थ्योरम। लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट ऑन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है ये अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो होती है, तो इसलिए जीरो पे इसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए। देन एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड एज अ सीरीज अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो एज ये फार्मूला है। अब अगर हमें ऐसा फंक्शन दिया गया हो जिसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों जीरो पे, तो हम उसको इस तरह से सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं कि f ऑफ जीरो पहले फंक्शन में जीरो पुट करेंगे, f प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स। एक्चुअली पावर सीरीज है, यहाँ पे x की पावर जीरो है, ये फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पे x की पावर वन है तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ x की पावर टू है तो देखें सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो ओवर टू फैक्टोरियल। आप जानते हैं वन फैक्टोरियल भी वन है और जीरो फैक्टोरियल भी वन है, इसलिए यहाँ वो आपको नजर नहीं आ रहे। और x की पावर जब थ्री होगी तो f का थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो और नीचे थ्री फैक्टोरियल आएगा, एंड सो ऑन। जनरल टर्म लिखी है इसकी, यहाँ एक्स पावर एन भी है, एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन की वाली टर्म में nth डेरिवेटिव एट जीरो ओवर एन फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज जनरेटेड बाय एफ, ऐसे भी कहते हैं या सिंपली हम यू भी कहते हैं दिस इज मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एफ। नोट लिखा हुआ है कि द अबव एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली इफ इट कन्वर्जेस। अब कन्वर्जेंस अभी आपने नहीं पढ़ी, एक्चुअली उन पॉइंट्स पे ये वैलिड होगी जहाँ पे ये सीरीज कन्वर्ज कर रही हो, या आप यूँ कह लें कि इसका सम फाइनाइट आ रहा हो आसान लफ्जों में। एग्जांपल्स देखें, ये मशहूर फंक्शन साइन फंक्शन आपने देखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसकी सीरीज है, देखें मैक्लॉरिन सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इन्फिनिट सीरीज है ये। हमने 1.1 में पढ़ा था कि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, आप देख सकते हैं इसमें जब हम साइन में के एंगल में माइनस एक्स पुट करेंगे ना तो ये सब ऑड पावर्स हैं, इनमें से माइनस कॉमन आ जाएगा और वापस साइन एक्स आ जाएगा। और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी एक्सपेंशन यूँ होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस वन। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आई, ये कैसे बनती हैं। तो उसका फार्मूला ये आपने जेहन में रखना है, ये जो मैक्लॉरिन सीरीज ऊपर दी गई है ये इसके जरिए हम निकालेंगे, जस्ट डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, उनमें जीरो पुट करेंगे और उस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखें एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस वन, जो भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो फार्मूला था मैक्लॉरिन सीरीज का वो ये बॉटम पे दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको कंपेयर करें। तो फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पे था एफ ऑफ एक्स, तो फार्मूला में आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, और हमारे जो हमने प्रूव करना है जिस चीज़ का फार्मूला, उसमें नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, यानी हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है। तो ये हमने लेट कर लिया, ये लेफ्ट पे जो भी चीज़ दी गई होगी जिसकी हमने सीरीज कैलकुलेट करनी है उसको एफ ऑफ एक्स कह लेना। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कितनी टाइम डिफ्रेंशिएट करना है आपने देख लेना है कि एक्स की कितनी मैक्सिमम पावर आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर 4 आ रही है ना इस क्वेश्चन में, तो हम इसको 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट टाइम इसको, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग के आगे जो भी चीज़ लिखी है उसको उल्टा देते हैं पहले, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का 1, 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव देखें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स को लिख लिया 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आई फंक्शन की पावर में से कम करती है माइनस 2 हो गया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था कि वो 1 है। इसी तरह थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3, ये माइनस 2 और माइनस 1 पॉजिटिव 2 हो जाएगा। एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो ये 2 जो था वो तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, बाकी पे पावर रूल लगाएंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा हमें माइनस 6 इंटू 1 प्लस एक्स पावर माइनस 4। तो ये हमने चार डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, सिंपल सा फंक्शन था। अब मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करने के लिए ना
हम क्या करते हैं, ये जितने भी जो फंक्शन हमने लेट किया या इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए ना, इनको जीरो पे इवेल्यूएट करते हैं हम। देखें इन सब में जीरो पुट करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में जीरो पुट करेंगे, ये देखें फंक्शन के सामने एफ ऑफ जीरो, फंक्शन में जब जीरो पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस जीरो, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस जीरो इज नेचुरल लॉग ऑफ वन एंड नेचुरल लॉग ऑफ वन इज जीरो, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ई पावर जीरो इज वन, सो नेचुरल लॉग ऑफ वन इज जीरो, तो एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया। एफ प्राइम ऑफ जीरो, ये देखें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था ना, उसमें अब जीरो पुट करने लगे हैं, इन तमाम जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं उन सब में जीरो पुट करना है, क्योंकि हम जो मैक्लॉरिन सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो होती है, उसमें तमाम डेरिवेटिव्स में को जीरो पे एवेल्यूएट करना पड़ता है। देखें वन ओवर वन प्लस एक्स था तो एक्स की जगह ये देखें जीरो आ गया, तो इसका आंसर आया वन। फिर सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया तो माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू था, तो वन प्लस जीरो की पावर यानी वन की पावर माइनस टू तो वन ही होगा, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन। थर्ड डेरिवेटिव में देखें जीरो पुट करें, ये थर्ड डेरिवेटिव था, इसमें जब जीरो पुट करेंगे तो ये देखें एक्स की जगह जीरो लिख दिया, अब ये वन प्लस जीरो की पावर माइनस थ्री लेंगे तो आंसर वन आएगा, वन टू सा टू। और लास्ट में ये देखें फोर्थ डेरिवेटिव में जीरो पुट किया, माइनस सिक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर था, एक्स की जगह जीरो लिख दिया तो वन की पावर माइनस फोर तो वन आ गया, और माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस सिक्स। तो हमने ये जितने डेरिवेटिव्स हमें चाहिए थे ये मैंने आपको बताया, एक्स पावर फोर को देखते हुए हमने फोर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए, उनमें जीरो पुट कर लिया, अब हम इनको मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करेंगे। तो ये डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर चुके थे एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये देखें हमने ये अभी कैलकुलेट की, उनकी वैल्यूज ये मैंने लिख दी हैं ताकि हमें पता चले हम पुट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला लिख दिया बाय मैक्लॉरिन सीरीज, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दिस रिलेशन। तो मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला यूज किया, ये जो बॉटम पे दिया गया था कि एफ ऑफ जीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो ओवर फोर फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर फोर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स आपको याद होगा हमने इसको नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स लिया था, जिसके साथ तमाम डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट किए, तो एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। एफ ऑफ जीरो हमने कैलकुलेट किया था वो जीरो के इक्वल था, देखें तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर एफ प्राइम ऑफ जीरो ये हमने कैलकुलेट किया था ये वन आया था तो उसकी जगह वन लिख दिया। एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो वो माइनस वन था तो उसकी जगह देखें माइनस वन लिख दिया एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की जगह। थर्ड डेरिवेटिव जो जीरो पे हमने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू टू आई थी तो थर्ड डेरिवेटिव की जगह टू लिख दिया। फिर फोर्थ डेरिवेटिव में जब जीरो पुट किया था तो माइनस सिक्स आया था वो भी पुट कर दिया प्लस वन। साथ ही इसी स्टेप में क्या किया, इनके फैक्टोरियल्स भी ओपन किए, टू फैक्टोरियल आप जानते हैं कि टू होता है, थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, और फोर फैक्टोरियल आप जानते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन इज 24। तो सिंप्लीफाई करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐड होने से, 1 इनटू x इज x माइनस 1, ये माइनस प्लस देखिए माइनस हो गया साइन, और साथ x स्क्वायर बाय 2 ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब 2 से जब 6 कैंसिल होगा तो यहाँ 3 बचेगा, ये देखें आप यहाँ पे 3 रह जाएगा, 2 3 जा एंड 2 1 जा, तो ये 1 बाय 3 रह जाएगा यानी x क्यूब बाय 3। इसी तरह यहाँ से आप जानते हैं 6 4 जा 24 तो x पावर 4 के नीचे 4 रह जाएगा। तो देखिए ये वही सीरीज है जो हमने जो प्रूव करना था हमने वहाँ तक हम पहुँच गए। तो इस तरह से मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करके हम ये मुख्तलिफ सीरीज प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसमें 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट है और उसको प्रूव करना है कि उसकी ये मैक्लॉरिन सीरीज है। तो मेथड वही है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट वन प्लस एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल एड कर लेंगे और इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। अब कितने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, ये देखें सीरीज एक्स क्यूब तक जा रही है, इसका मतलब है थर्ड, वैसे तो इन्फिनिट सीरीज है लेकिन हमें कितनी टर्म्स चाहिए एक्स क्यूब तक, यानी तीन डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स मीन्स वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन बाय टू, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर देखें शुरू में आई 1 प्लस एक्स की पावर में से एक माइनस किया तो 1 बाई टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू, और अंदर वाले फंक्शन का विदाउट पावर जब डेरिवेटिव लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब 1 बाई टू कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू पे,
तो इस पे फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाई टू शुरू में होगा, तो वन बाई टू से वन बाई टू मल्टीप्लाई होकर वन बाई फोर हो गया, और माइनस वन बाई टू में से माइनस करेंगे एक तो माइनस थ्री बाई टू पावर हो जाएगी। एक दफा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं थर्ड टाइम, तो थर्ड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा माइनस वन बाई फोर कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया, और डेरिवेटिव लेंगे हम वन प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री बाई टू का। तो पावर रूल अप्लाई होगा, माइनस थ्री बाई टू जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, थ्री ऊपर आ जाएगा और फोर जब मल्टीप्लाई होगा टू से तो वो एट बन जाएगा, तो थ्री बाई एट आ गया। और पावर में से एक माइनस भी करना था, माइनस थ्री बाई टू में से एक माइनस करेंगे तो माइनस फाइव बाई टू, और अंदर वाले का डेरिवेटिव बनना इसलिए नहीं लिखा। तो हमने तीन डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए, अब इनको जीरो पे इवेल्युएट करते हैं क्योंकि हम मैक्लॉरिन सीरीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, तो इनमें जीरो पुट करना पड़ेगा। तो देखें फंक्शन में सबसे पहले जीरो पुट करते हैं, तो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई टू, तो वन प्लस जीरो इज वन, वन का स्क्वेयर रूट वन होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया था उसमें भी जीरो पुट कर देते हैं, वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू था उसकी जगह जीरो लिख दिया, तो वन प्लस जीरो इज वन, वन की जो भी पावर लेंगे फाइनाइट पावर लेंगे तो आंसर वन आएगा, और वन को वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो वन बाई टू। ये सेकेंड डेरिवेटिव में भी जीरो पुट करते हैं, माइनस वन बाई फोर इंटू वन प्लस जीरो की पावर माइनस थ्री बाई टू, अब ये वन की पावर माइनस थ्री बाई टू वन हो जाएगा, तो वन से माइनस वन बाई फोर मल्टीप्लाई होकर माइनस वन बाई फोर। सिमिलरली यहाँ पे थ्री बाई एट बचेगा क्योंकि ये तो वन है। तो हमने तो जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे उनको जीरो पे इवेल्युएट भी कर लिया, अब इनको मैक्लॉरिन सीरीज में ये आप देख सकते हैं, अभी जो हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए थे और उनमें जीरो पुट किया था उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करते हैं। बाई यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज एफ ऑफ एक्स का ये फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं अपने फंक्शन से के मुताबिक, हमारा फंक्शन था वन प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट, तो फंक्शन की जगह ये कर लिया हमने जो फर्स्ट स्टेप में लेट किया था। एफ ऑफ जीरो फंक्शन में जब जीरो पुट किया था तो आंसर वन आया था, तो देखें एफ ऑफ जीरो की जगह वन लिख दिया। फिर एफ प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ जीरो तो वन बाई टू था, तो एफ प्राइम ऑफ जीरो की जगह वन बाई टू लिख दिया और एक्स अपनी जगह पे मौजूद है। प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो, उसकी वैल्यू माइनस वन बाई फोर अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो यहाँ पे लिखी माइनस वन बाई फोर, और साथ एक्स स्क्वायर बाई टू अपनी जगह पे लिखे हुए, टू फैक्टोरियल इज टू। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो यानी थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो, वो थ्री बाई एट आया था, वो पुट कर दिया यहाँ पे, और थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट वन प्लस एक्स वन, अब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा वन से तो एक्स बाई टू, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, नीचे देखें फोर टू जा एट। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक्स क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, थ्री से देखें ये कैंसिल हो रहा है, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, तो नीचे टू रह जाएगा, एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन। तो ये देखें वही सीरीज आ गई जो हमने प्रूव करनी थी, तो ये मेथड है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, ई पावर 2x की एक्सपेंशन है ये मैक्लॉरिन सीरीज, इसको प्रूव करते हैं। हमारा फंक्शन इस दफा ई पावर 2x, इसके डेरिवेटिव्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमने एक्सरसाइज 2.6 में कैलकुलेट करना सीखे थे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या रूल होता था, e की पावर में जो कुछ भी आ रहा उसको पहले एज इट इज लिख देते थे और फिर पावर का डेरिवेटिव ले लेते थे। बेस का जो लॉग है वो एक्चुअली नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है, इसलिए वो हमने नहीं लिखा, जो मुकम्मल रूल है उसमें नेचुरल लॉग ऑफ बेस भी होता है। तो 2x का डेरिवेटिव आप जानते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 जा 2, तो ये 2 टाइम्स e पावर 2x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको एक दफा मजीद डिफरेंशिएट करते हैं, 2 कांस्टेंट था बाहर लिखा, डेरिवेटिव e पावर 2x पे अप्लाई हुआ, तो e पावर 2x का सेम फिर वही प्रोसीजर है, e पावर 2x उसी तरह से आएगा और पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू e पावर 2x। एक दफा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट था ये वाला था सेकंड डेरिवेटिव वाला, इसको बाहर लिख लिया, e पावर 2x पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फिर सेम प्रोसीजर है कि ये देखें e पावर 2x वैसे ही आ गया और फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 2 है, तो 2 4 जा 8, 8 e पावर 2x। ये तीन डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए क्योंकि हमें यहीं तक टर्म्स चाहिए, तो इन सब में आप जीरो पुट करते हैं, सबसे पहले फंक्शन में जीरो पुट करते हैं, ई पावर टू टाइम्स जीरो इज ई पावर जीरो एंड ई पावर जीरो इज वन। सेकंड डेरिवेटिव में जीरो पुट करते हैं, टू टाइम्स ई पावर जीरो, ई पावर जीरो तो वन है, टू वन सा टू। सेकंड डेरिवेटिव में जीरो पुट करते हैं, फोर टाइम्स ई पावर जीरो इज वन एंड फोर वन इज फोर वन आर फोर, और सिमिलरली यहाँ भी पुट किया तो
8 आ गया। अब हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, इनको मैकलॉरिन सीरीज में पुट कर देते हैं। तो जो डेरिवेटिव्स हमने जीरो पे इवेलुएट किए थे वो यहाँ लिख दिए गए हैं। फार्मूला यूज करते हैं मैकलॉरिन सीरीज का, बाय यूजिंग मैकलॉरिन सीरीज, ये उसका फार्मूला है। इसमें जो फंक्शन हमने ई पावर टू एक्स था हमारा जो लेट किया था हमने शुरू में, उसकी जगह वापस उसकी वैल्यू डाल दी ई पावर टू एक्स। एफ ऑफ जीरो आप देखें वन था, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की जगह वन लिख दिया। एफ प्राइम ऑफ जीरो टू था तो उसकी जगह टू लिख दिया। सेकेंड डेरिवेटिव एट जीरो जो था वो फोर के इक्वल था, तो यहाँ पे इसकी जगह उसकी वैल्यू फोर लिख दी। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो जो है वो 28 था, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। सॉरी ये 28 नहीं है, ये 2 था, सॉरी 8 था, तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई कर लें। ये 1 है, 2x से मल्टीप्लाई हुए 2x बन जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। एक्चुअली जिस शेप में हमें सीरीज दी हुई है हम उसी तरह से लिखते हैं। इस सीरीज में हमें देखें नीचे वाली टर्म्स जो हैं डिनोमिनेटर्स फैक्टोरियल वाली फॉर्म में दिए हुए थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल्स को ओपन नहीं किया। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें फैक्टोरियल नहीं था, तो मैंने इन फैक्टोरियल्स को ओपन कर दिया था। यहाँ पे 2 लिख दिया था और यहाँ पे 6 लिख के सिंप्लीफाई कर दिया था, और यहाँ पे 8 जो पुट किया था वो 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये 2 नहीं है, यहाँ पे जस्ट 8 था ये थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये हमने e पावर 2x की मैकलॉरिन सीरीज फाइंड कर ली। इसको इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 4 सॉल्व कर लेना है। ये सीरीज की कैलकुलेशन आपके लिए नया काम है, तो इन क्वेश्चन से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें, आपकी एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 97 पे, एक्सपेंड ए पावर एक्स इन मैकलॉरिन सीरीज। तो एक्चुअली आपका जो चैप्टर 2 है इसमें जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्वेश्चंस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। एक्सरसाइज 2.8 के एंड पे क्वेश्चन आएगा। तो एक एग्जांपल गिवन थी, मैंने इसका फायदा उठाया मौके का और ये दे दिया ताकि आपको मुकम्मल रूल भी याद हो। हम ई पावर एक्स को तो डिफरेंशिएट करते रहते हैं लेकिन जनरल बेस के साथ हो तो कंप्लीट रूल हमने सीखा था एक्सरसाइज 2.6 में, उसको देखें अप्लाई करते हैं। फंक्शन हमें दिया गया ए पावर एक्स, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, अब ए पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या रूल था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कांस्टेंट बेस और वेरिएबल पावर हो, तो उस फंक्शन को पहले वैसे लिख देना, फिर बेस का नेचुरल लॉग लेना और पावर का डेरिवेटिव लेना, ये कंप्लीट रूल था। तो ये बन जाएगा ए पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, क्योंकि एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर एक दफ़ा इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए तो कांस्टेंट है, वो ये देखें बाहर आ गया और डेरिवेटिव अप्लाई हो गया ए पावर एक्स पे। अब ए पावर एक्स का फिर अगेन वही रूल है कि ए पावर एक्स को पहले वैसे ही लिखेंगे, फिर बेस का नेचुरल लॉग और पावर का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करें। ये नेचुरल लॉग ए से नेचुरल लॉग ए मल्टीप्लाई होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा साथ ए पावर एक्स। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए का जो स्क्वायर था वो तो कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ए पावर एक्स पे अप्लाई होगा। जब ए पावर एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो देखें सेम प्रोसीजर है, वही एक्सपोनेंशियल रूल वाला, तो एक नेचुरल लॉग ऑफ ए और आ गया यानी क्यूब बन गया। फिर इसको एक दफ़ा और डिफरेंशिएट किया, चार डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं। जब आपको गिवन ना हो कि क्या सीरीज कहाँ तक कैलकुलेट करनी है तो चार डेरिवेटिव ले लिया करें, शेप वाजे हो जाती है अमूमन सीरीज की। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का क्यूब कॉन्स्टेंट था, बाहर आया ए पावर एक्स का ये डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब एक और नेचुरल लॉग ऑफ ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर 4 हो जाएगी। अब इन तमाम डेरिवेटिव्स में जीरो पुट करते हैं और फंक्शन में भी। सबसे पहले फंक्शन में जीरो पुट करेंगे, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, ए पावर एक्स था फंक्शन, तो अब बन जाएगा ए पावर जीरो, एंड ए पावर जीरो इज 1, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्चुअली। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में जब जीरो पुट करेंगे तो ए पावर जीरो इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, अब ए पावर जीरो इज 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए ही बन जाएगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव में पुट किया तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का क्यूब, फोर्थ डेरिवेटिव में पुट किया तो नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर 4। ये तमाम डेरिवेटिव्स को हमने जीरो पे वैल्यूएट कर लिया, अब इनको मैकलॉरिन सीरीज में पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके उनमें हमने जीरो पुट कर लिया था, उनकी ये वैल्यूज राइट साइड पे दी गई हैं। इनको पुट करते हैं मैकलॉरिन सीरीज में, मैकलॉरिन सीरीज का फार्मूला लिख दिया है, ये लिखा हुआ है। अब इनमें पुट करते हैं, फंक्शन हमारा था ए पावर एक्स, तो फंक्शन की जगह ए पावर एक्स लिख दिया। एफ ऑफ जीरो हमने कैलकुलेट किया था वो 1 आया था, तो एफ ऑफ जीरो की जगह 1 लिख दिया। एफ प्राइम ऑफ जीरो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो नेचुरल लॉग ऑफ ए आया था, तो वो लिख दिया उसकी जगह। सेकंड डेरिवेटिव आया था नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, वो पुट कर दिया। थर्ड डेरिवेटिव था नेचुरल लॉग ऑफ ए का क्यूब, और फोर्थ डेरिवेटिव था जीरो पे नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर 4।
तो ये ही हमारा आंसर है। इसको जस्ट अच्छी शेप में लिख लें, ए पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह से थी ये एग्जांपल। तो एक्स की पावर्स में हमने ये देखें सीरीज को एक्सपेंड करना सीखा, और इसके जो कोफिशिएंट्स थे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा डेरिवेटिव्स के जरिए। उसमें जीरो पुट करते हैं और मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर देते हैं। अब इस एग्जांपल को देखते हुए आपने एग्जांपल नंबर 1, 2 और 4 कर लेनी है ताकि आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाए।